Hello everyone, this is Priya Mina, Assistant Professor Physics, Government Girls College, Sirohi. बच्चों ये बी एस सी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स. इसमें जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे वो थे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स फॉर्मुलेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी में संकारक की अवधारणा. संकारक होता क्या है इसके लिए. द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल. जो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसी पार्टिकल के बारे में. बट इट कैन नॉट बी प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, सो वी डेवलप्ड एन अनदर मेथड, मैथमेटिकल मेथड नॉन एज ऑपरेटर मेथड. तो इसमें भी क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन हम उस पार्टिकल से नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमें दूसरा जो मेथड है मैथमेटिकल मेथड वो हम यूज़ में लेते हैं, जो कि हमारा क्या होता है ऑपरेटर मेथड होता है. जैसे कि हमने एक रिलेशन ले लिया ए साई इज इक्वल्स टू फाई. इसमें क्या जो साई जो है ये क्या है, वेव फंक्शन है. ए कैप यहाँ पर एक ऑपरेटर है या फिर संकारक है जो कि इस पर ऑपरेट हो रहा है, और जो चीज ऑपरेट हो रही है वही चीज हमें वैल्यू के रूप में आगे प्राप्त होगी और एक फंक्शन प्राप्त होगा. तो फाइ यहाँ पर कोई एक दूसरा फंक्शन है. हेयर साइज इन आइगन फंक्शन और वेव फंक्शन. एक साई क्या है, वेव फंक्शन है. एंड ऑन अप्लाइंग एन ऑपरेशन ऑन साई, साई पे कोई भी एक ऑपरेशन यदि हम अप्लाई करते हैं, कोई भी एक संकारक यदि हम अप्लाई करते हैं, तो हमें वी गेट फाइव, हमें फाइव मिलता है. दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड हेयर बाय ए सिंबल ए कैप नोन एज ऑपरेटर. ए कैप क्या होता है, ऑपरेटर होता है. इसे कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, कोई भी ऑपरेटर और उसके ऊपर यदि ये जो साइन होता है ये क्या होता है कैप, इसे हम कैप से डिनोट करते हैं. अतः ए कैप एक संकारक है या फिर ऑपरेटर है जिसे किसी तरंग फलन यानी कि वेव फंक्शन पर संक्रिया करवाने पर या फिर ऑपरेट करवाने पर एक दूसरा फलन फाई हमें प्राप्त होता है. संकारक क्या होगा, किसी भी चीज़ का संकारक हो सकता है. मोमेंटम का संकारक होगा, हमें किसी भी फंक्शन के लिए मोमेंटम निकालना है तो हम मोमेंटम का ऑपरेटर उस पर यूज करेंगे तो हमें मोमेंटम की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी. इसी प्रकार से हम कोई ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. जैसे कि एक ऐप मान लीजिए कोई ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स. ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है यानी कि अवकलन का ऑपरेटर है. तो फिर ऊपर की इक्वेशन में यदि ये वैल्यू हम पुट कर दें एक ऐप की, तो हमें ऊपर की इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगी, डी बाई डी एक्स. ये तो क्या हो गया, ए कैप हो गया. इसे साई पर ऑपरेट कराया तो हमें क्या मिला, कोई एक नया फंक्शन फाई मिला. यदि हम माने कि एफ और जी दो कोई भी वेव फंक्शन है या फिर तरंग फलन है और ए कैप एक अवकलित संकारक को प्रदर्शित करता है, यानी कि ए कैप हमने कोई ऑपरेटर लगाया और ये एक अलग फंक्शन है एफ और ये एक अलग फंक्शन है, दोनों के इसमें मल्टीप्लिकेशन में है. इस पर हम ए कैप कोई फंक्शन हमने लगाया, ए कैप को हम अवकलित फंक्शन मान के चल रहे हैं या फिर डिफरेंशियल फंक्शन मान के चल रहे हैं या फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर मान के चलें, तो हमें नेक्स्ट जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल करते हैं हम दो जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है फंक्शंस का, उनका जब डिफरेंशियल करें तो जो हमें प्राप्त होता है वही हमें प्राप्त होगा. यानी कि ए कैप यदि हम ऑपरेट करें एफ जी पर तो हमें क्या मिलेगा, एफ पहले बाहर आ जाएगा, ए किस पे ऑपरेट होगा जी पर, प्लस का साइन, फिर ए पहले एफ पर ऑपरेट होगा और जी हम बाहर लिखेंगे. ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं. ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, सारी जो भौतिक राशियाँ होती हैं ऑब्टेंड बाय द ऑब्जर्वेशन, जो प्रेक्षण से हमें मिलती हैं और मेजरमेंट्स माप होती है जिनकी आर नोन एज ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, सारी क्या होती है प्रेषित राशियाँ होती हैं, उन्हें हम नाप सकते हैं या फिर ज्ञात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोजिशन यानी कि स्थिति, मोमेंटम, ऊर्जा, एनर्जी, ये जो क्या होती हैं ये सारी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी होती है, इनके सबके ऑपरेटर होते हैं. यदि हमें किसी की स्थिति निकालनी है तो स्थिति का अलग ऑपरेटर होगा, मोमेंटम निकालना है मोमेंटम का अलग ऑपरेटर होगा, एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का अलग ऑपरेटर होगा. इन क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर. क्वांटम मैकेनिक्स में इन्हें ऑपरेटर्स के रूप में जाना जाता है. दी ऑपरेटर्स यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स आर लीनियर ऑपरेटर. लीनियर ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर यूज होते हैं. इफ यानी कि रैखिक होते हैं. इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू ऑपरेटर. यदि हम मान के चले कि ए कैप और बी कैप क्या है, दो ऑपरेटर है या फिर दो संकारक है, तथा एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन. एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दो फलन है कोई भी. देन ऑपरेटर्स ओबे द फॉलोइंग लॉज. तो एक हमारे पर दो फंक्शन दे दिए और दो ऑपरेटर दे दिए, तो ये सारे जो ऑपरेटर होते हैं ये निम्न जो लॉज हैं ये जो नियम हैं इनको फॉलो करते हैं. जैसे कि ए कैप को यदि हम ऑपरेट करें, कोई फंक्शन एफ एक्स है प्लस जी एक्स इन दोनों का एडिशन है, इस पर यदि हम ए कैप को ऑपरेट करें तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, ए कैप
पहले ऑपरेट होगा एफ एक्स पर प्लस ए कैप, फिर ऑपरेट होगा ये जी एक्स पर, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से यदि हम दो ऑपरेटर लें ए कैप प्लस बी कैप, इन दोनों के एडिशन को, इन दो ऑपरेटर्स के एडिशन को किसी एक फंक्शन एफ एक्स पर यदि हम ऑपरेट करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए कैप एफ एक्स प्लस बी कैप एफ एक्स। ये कुछ लॉज हैं जो कि ऑपरेटर फॉलो करते हैं। तो ये तीसरा जो होता है वो होता है द कम्युनिकेटर ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप कैन बी। कम्युनिकेटर क्या होता है, क्रम विनिमयक संकारक जो होते हैं, ए कैप और बी कैप क्रम विनिमयक आपने पढ़े हुए हैं मैथ्स में। तो ए कैप और बी कैप यदि कम्युनिकेटर हों तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, इनका सॉल्यूशन ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। यदि ए कैप तथा बी कैप संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यदि ये कम्युनिकेटर लॉ का फॉलो करते हैं, तो ए कैप बी कैप की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। यानी कि ए कैप बी कैप की जो वैल्यू होगी वही बी कैप ए कैप की वैल्यू होगी। यदि ए कैप तथा बी कैप संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते तो ए कैप और बी कैप इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ए कैप और बी कैप से जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है ये यहाँ पर बच्चों नॉट इक्वल्स टू आएगा, ये बी कैप और ए कैप के इक्वल नहीं होगा, तो ये हमें जीरो भी प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई ऐसा फलन एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है कि फलन एफ एक्स पर संकारक ए कैप के संक्रिया करने से निम्न समीकरण प्राप्त होती है। मान लीजिए एफ एक्स हमने कोई फंक्शन ले लिया, उस पर यदि हम एक ऑपरेटर ए कैप यदि हम लगा रहे हैं तो यदि हमें ये प्राप्त हो रहा है, जैसे एक वैल्यू लैम्डा प्राप्त हो गई और वही फंक्शन हमें एफ एक्स प्राप्त हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है बच्चों यहाँ पर लैम्डा क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, कोई भी नंबर है, जो फलन एफ एक्स को संकारक ए कैप का आइगन फंक्शन कहते हैं। एफ एक्स फलन जो है वो ए कैप का क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन कहलाता है या फिर आइगन फलन कहलाता है। और ये जो हमें कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है, ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे स्थिति का ऑपरेटर लगाया तो हमें यहाँ पे स्थिति की वैल्यू प्राप्त होगी, मोमेंटम का ऑपरेटर लगाएंगे तो मोमेंटम की वैल्यू प्राप्त होगी, इसी तरह से तथा नियतांक लैम्डा को आइगन फलन एफ एक्स का, यानी कि इस जो एफ एक्स है हमारे पास इसका आइगन मान या फिर आइगन वैल्यू कहते हैं। इस प्रकार की ये जो पूरी इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन क्या कहलाती है, आइगन इक्वेशन कहलाती है। आपको कोई भी इक्वेशन दे दे एक ऑपरेटर लगा के और एक फंक्शन लगा कर आपसे पूछे इसमें आइगन वैल्यू कौन सी है, तो उस फंक्शन के अलावा इस साइड में जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकली वैल्यू वो हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है, और ये पूरी इक्वेशन आइगन इक्वेशन होती है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर, यानी कि संकारकों के गुण। संकारकों के गुण क्या क्या होते हैं, ऑपरेटर किस किस तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है नल और जीरो ऑपरेटर, यानी कि शून्य संकारक। शून्य संकारक क्या होता है, इट इज एन ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन एनी फंक्शन साई एंड प्रोवाइड्स ए नल और जीरो वैल्यू। ये जीरो जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है आपको, जीरो ऑपरेटर है, तो यानी कि इसे हम किसी भी फंक्शन पर यदि ऑपरेट करें तो हमें कोई जीरो वैल्यू प्राप्त होती है। जीरो कैप इसे क्या लिखेंगे, जीरो कैप साई, इसको साई पर ऑपरेट किया तो हमें क्या मिला, जीरो मिला, तो जीरो हमारा क्या हो गया, नल ऑपरेटर हो गया। इसी तरह से यूनिट और आइडेंटिटी ऑपरेटर, यानी कि एक एक संकारक, एक एक संकारक ये भी नाम से ही आप जान सकते हैं, एन ऑपरेटर विच डज नॉट चेंज द वैल्यू इन ऑपरेटिंग ऑन एनी फंक्शन इज नोन एज यूनिट ऑपरेटर। यानी कि यदि यूनिट ऑपरेटर वो होता है किसी भी फंक्शन पर उसे ऑपरेट किया जाए तो हमें वही फंक्शन प्राप्त होता है बिना किसी चेंज के, तो ये क्या होता है, यूनिट ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एलजेब्रा ऑफ लीनियर ऑपरेटर। एलजेब्रा ऑफ लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, यानी कि रैखिक संकारकों का बीजगणित। बीजगणित मीन्स उनका एडिशन, उनके सब उनका मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होता है वो होता है ये। इसमें एलजेब्रा जो होती है लीनियर ऑपरेटर की वो सबसे पहले आती है एडिशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, यानी कि संकारकों का योग किस प्रकार से होता है उसके बारे में, ठीक है। यदि हम संकारकों के योग के बारे में बात करें तो यदि ए कैप बी कैप तथा सी कैप तीन हमने रैखिक संकारक ले लिए, यानी कि लीनियर ऑपरेटर ले लिए, तो ये किस किस नियम का पालन करेंगे वो हमें सामने दिखाए गए हैं। जैसे कि ए कैप बी कैप सी कैप तीन रैखिक संकारक है, हम यहाँ पे संकारकों के योग की बात कर रहे हैं, तो सी कैप इज इक्वल्स टू ए कैप प्लस बी कैप यदि है, इस तरह से यदि ये फॉलो करता है तो सी कैप यहाँ पे साई यदि दोनों तरफ ऑपरेट कराएंगे हम, साई फंक्शन है, साई फंक्शन पे इसे ऑपरेट कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सी कैप साई इज इक्वल्स टू ए कैप साई प्लस बी कैप साई। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर इज ऑल्सो लीनियर, यानी कि अगर ए कैप बी कैप और सी कैप तीनों रैखिक संकारक है या फिर लीनियर ऑपरेटर हैं तो इनका योग इस तरह से जो योग होता है वो भी क्या होता है, रैखिक होता है या फिर लीनियर होता है। यानी कि नेक्स्ट होता है
दो रैखिक संकारकों लीनियर ऑपरेटर्स का योग क्रम विनिमेयक भी होता है। पहली बात तो इनका जो योग होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है या फिर रैखिक होता है। दूसरा आता है कि इनका जो योग होता है वो आपस में कम्यूटेटिव होता है या फिर क्रम विनिमेयक भी होता है, जो कि हमने पढ़ा था। यानी कि ए कैप और बी कैप को यदि हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, बी कैप और ए कैप को। ये भी एक प्रॉपर्टी इसकी, जैसे कि यदि हम एग्जांपल के लिए ले लें, ए कैप कोई भी ऑपरेटर हमने एक्स ले लिया, बी हमने कोई भी ऑपरेटर डी वाई डी एक्स ले लिया, तो अब हम ए कैप प्लस बी कैप करेंगे, यानी कि ए कैप प्लस बी कैप इसको किसी फंक्शन साई पर यदि हम ऑपरेट कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ये साई पे ऑपरेट होगा। साई पे ऑपरेट होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्स साई, और ये क्या हो जाएगा, डी साई बाई डी एक्स। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा बी प्लस ए, साई पर ऑपरेट होगा। पहले ए प्लस बी ऑपरेट करा हमने, हम इसे क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि ए प्लस ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, बी कैप प्लस ए कैप। तो ए कैप प्लस बी कैप तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हम बी कैप प्लस ए कैप पे यदि साई पर ऑपरेट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, बी कैप क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ए, और इसे साई पर यदि हम ऑपरेट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स साई। ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, तो हमें ये वैल्यू भी इक्वल प्राप्त हो गया, यानी कि ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू बी कैप प्लस ए कैप। दस द एडिशन ऑफ टू लीनियर ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव, यानी कि दो लीनियर ऑपरेटर्स का जो एडिशन होता है वो भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तीसरा क्या होता है, रैखिक संकार यानी कि लीनियर ऑपरेटर जो होते हैं वो साहचर्य नियम का पालन करते हैं। साहचर्य नियम हमने देखा है एसोसिएटिव होते हैं, यानी कि आपस में, तो एडिशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, एसोसिएट होता है। एसोसिएट मीन्स यदि ए कैप बी कैप और सी कैप दो हम लीनियर ऑपरेटर ले लें तो फिर ए कैप प्लस बी कैप ये दोनों को एक साथ ऐड करने के बाद में यदि हम सी कैप से ऐड करें तो ये बराबर होगा ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। ये होता है साहचर्य का नियम। तो इस पर यदि साई को ऑपरेट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप साई, और ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप साई। नेक्स्ट ये तो हो गया एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, यानी कि रैखिक संकारकों का जो गुणनफल होता है वो इस प्रकार से किस किस नियम को फॉलो करते हैं। यदि ए कैप एंड बी कैप आर टू लीनियर ऑपरेटर, ए कैप और बी कैप क्या होते हैं, दो रैखिक संकारक हैं, तब देर उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है जनरल वे में कम्यूटेटिव नहीं होता। वो जैसे कि हमने लीनियर वो जो एडिशन लिया था उसमें तो बराबर होते थे, पर मल्टीप्लीकेशन में बराबर नहीं होते। तो ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप। सेम यदि हम एग्जांपल लेके चले, ए कैप हमारे पास एक्स है, बी कैप क्या है, डी बाई डी एक्स है, तो फिर ए कैप बी कैप को यदि हम साई पर ऑपरेट करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए कैप की जगह एक्स, बी कैप की जगह डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय साई। अब इसे हम ऑपरेट करें तो ये क्या होगा, साई पर, इस पर यहाँ पर ही लगेगा, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो एक्स डी साई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, एक एक्स की जगह क्या रख दिया, ए कैप, और ये क्या हो गया, बी कैप साई। ठीक है, इसी तरह से यदि हम बी कैप ए कैप निकालें तो बी कैप ए कैप में डी बाई डी एक्स एक्स साई हो गया। इसे इसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स साई, एक्स मल्टीप्लाई बाई साई। मल्टीप्लीकेशन वालों का यदि हम डिफरेंशियल या फिर अवकलन करें तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, पहले यदि हम एक्स का करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, ये हमारे पास साई आ जाएगा, फिर x कॉमन ले लेंगे और डी साई बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए कैप बी कैप मल्टीप्लाई बाई साई। ये दोनों इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो फिर ए कैप बी कैप साई इज नॉट इक्वल्स टू 1 कैप प्लस ए कैप बी कैप साई। इसका मतलब ए कैप बी कैप साई इज नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप साई, यानी कि ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप, यानी कि ये क्रम विनिमेय नहीं होंगे। ये बच्चों इजी है इसलिए मैं फटाफट पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा कवर हो जाएगा ये आपका फटाफट। अब आते हैं ऑपरेटर्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ऑपरेटर्स अलग अलग क्वांटिटीज के लिए क्या क्या होते हैं, जैसे स्थिति के लिए क्या होता है, मोमेंटम के लिए क्या क्या होता है। तो अलग अलग भौतिक राशियों के लिए जो संकारक होता है, सबसे पहले पोजिशन ऑपरेटर यानी कि स्थिति का संकारक जो होता है, जो हमें कोई भी स्थिति ज्ञात करनी है, किसी भी स्थिति सदिश आर के संगत स्थिति संकारक किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले तो आर कैप से। ये थ्री डायमेंशन में हमने लिया है, यदि हम सिंगल डायमेंशन में तो एक्स कैप भी हो सकता है, वाई कैप भी हो सकता है। आर कैप एक स्थिति संकारक है, इसको यदि हम किसी फंक्शन साई पर ऑपरेट कराएं
तो हमें एक तो वैल्यू प्राप्त होगी स्थिति की, इसे हम आर मार कर चल रहे हैं और वही फंक्शन साई प्राप्त होगा। तो आर कैप यहाँ पर पोजिशन ऑपरेटर या फिर स्थिति संकारक को डिनोट करता है और आर यहाँ पर किसी भी फंक्शन की पोजिशन को डिनोट करता है या फिर स्थिति को डिनोट कर रहा है। दूसरा आता है मोमेंटम ऑपरेटर या फिर संवेग संकारक। इनके डेरिवेशन आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन्हें आपको याद रखना है। संवेग संकारक क्या होता है बच्चों, यदि हम एक्स डायरेक्शन में संवेग संकारक लिखें तो उसे हम क्या लिखेंगे, पी एक्स कैप, वाई डायरेक्शन में पी वाई कैप और पी जेड कैप। ये क्या होता है, ये आपको याद रखना है। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई डेल एक्स, वाई डायरेक्शन में माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई डेल वाई और जेड डायरेक्शन में माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई डेल जेड। और यदि इसे हम सबको मिला के थ्री डायमेंशन में लिखें तो थ्री डायमेंशन में हमें क्या प्राप्त होगा, पी कैप इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस, ये डी वाई डी एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जो कि लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, तो इसे हम डेल भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आपका पी का जो ऑपरेटर होता है क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, जो कि एक्स डायरेक्शन में है। और टोटल अगर थ्री डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपका डेल ऑपरेटर आ जाता है, यानी कि तीनों ऐड हो जाते हैं। ये हो गया मोमेंटम ऑपरेटर। टोटल एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा का जो संकारक होता है वो क्या होता है बच्चों, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें माइनस आता है, यहाँ पे इसमें माइनस साइन नहीं आता है। यहाँ पर पोजीशन के सापेक्ष होता है डिफरेंशियल, यहाँ पर टाइम के सापेक्ष होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो कुल ऊर्जा का जो संकारक होता है जो टाइम की टर्म में यदि हम ले तो वो क्या हो जाएगा, ई कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इस पर। पोजीशन की टर्म में यदि हम ई कैप यानी कि एनर्जी का मोमेंट एनर्जी का यदि हम ऑपरेटर निकालें तो वो इसे याद रखना, ये पोजीशन की टर्म में ये होता है, ई कैप इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी। वैसे इस पर इतने क्वेश्चन नहीं आते ही, अभी हमने जो पिछले श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली थी वहाँ पर हम डिनोट करते हैं इस चीज़ को। और ये हमारा जो होता है ये क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, तो इसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, आपको पता है। तो एच कैप इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू प्लस वी, ये आपका पोजिशन के टर्म में है ऑपरेटर। तो बच्चों ये तो थे आपके ऑपरेटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछी जाती है, वैसे भी पूछ लेते हैं। तो ये ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज में सब कुछ आ गया। थैंक यू।